आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा उपचुनाव की, जहां केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने प्रचार का मोर्चा संभाला है। यह चुनाव कई राजनीतिक और पारिवारिक पहलुओं को उजागर कर रहा है। बुधनी जो शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत विधानसभा सीट है, इस बार उपचुनाव की तैयारी कर रही है। शिवराज इस बार चुनाव प्रभारी है, लेकिन उनका बेटा कार्तिकेय चुनावी प्रचार में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि कार्तिकेय खुद टिकट की दौड़ में थे, लेकिन बीजेपी ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। पार्टी नेताओं का कहना है शिवराज झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए वे बुधनी में प्रचार के लिए कम समय दे पाएंगे। इस बीच शिवराज का अनुभव और उनका राजनीतिक प्रभाव बुधनी उपचुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी चिंताओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बुधनी में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्तिकेय और शिवराज दोनों ही सक्रिय है। कार्तिकेय ने पहले ही स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की है, ताकि पार्टी का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। हालांकि रमाकांत भार्गव के टिकट पर कुछ कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। वे राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाना चाहते थे। इस असंतोष को दूर करने के लिए कार्तिकेय लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए कार्तिकेय ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वे सीधे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लिए एक परीक्षा है। क्या कार्तिकेय अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर स्थानीय नेतृत्व में असंतोष बीजेपी की राह में बाधा बनेगा।